ये भैया क्यों गुस्से में हो? आप गुस्से में क्यों? गुस्से में नहीं ना भाई, तो घंटा इधर पहुंचा नहीं ना तार। तो सबसे पहले चावल बनते हैं, उसके बाद चावल का मसाला बनता है, उसके बाद ये लुद्दी बनती है, उसके बाद देन उसके बाद तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा कलेक्शन आ चुका है अभी फ़िलहाल के लिए। एंड यहाँ पे चल रही है पैकिंग, पूरा मैन्युफैक्चर है इनका। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये कितने कितने मीटर अंदर, 2000 मीटर, ये 2000 मीटर का है। तो ये भी बहुत बढ़िया कलेक्शन, ये पूरा होलसेल में जा रहा है ना आपका, पर मतलब यहाँ से पूरा महाराष्ट्र जा रहा है। सो गाइज ये जो पूरा माल है अभी जा रहा है महाराष्ट्र। एंड ये भैया यहाँ पे अभी पैकिंग कर रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? अजय। अजय, तो ये अजय देवगन सर, अजय देवगन है आगे? नहीं, अजय धंधानी। अजय धंधानी, डी हुआ ना, यानी ए डी हुआ ना, बात तो एक ही हुई ना। तो ये अजय भाई कुछ पैकिंग कर रहे हैं, और ये पूरा इस तरह से मतलब पैकिंग होने के बाद फिर वहाँ पे पूरा माल जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन इनके पास आ चुका है। एंड पतंग में भी काफ़ी सारी रेंज आई है, और ये जो नई प्रिंट आई है अभी आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में दिखाऊँगा। कुछ दिन में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे जुड़े हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि एक बार फिर से पतंग पे ब्लॉग बनाओ। एंड ये जो ब्लॉग है, ये आज का जो ब्लॉग है वो डिटेलिंग में होने वाला है। हमारे बड़े भाई विक्की भाई, एंड विकी भाई को कुछ शॉपिंग भी करना था उत्तराण का, और एंड आज हम लोग डिटेलिंग में वीडियो बनाने वाले हैं, यहाँ के शॉप का पूरा डिटेलिंग बनाने वाले हैं। बिकॉज लास्ट टाइम जो था वो डिटेलिंग में नहीं था, इनके पास क्या क्या रेंज है वो तो दिखाई दी लेकिन प्राइस नहीं बताए थे। इस बार हम लोग प्राइस भी बताएंगे। एंड विकी भाई को फिलहाल धागे को कलर भी करवाना है। धागे को कलर बोलते हैं? यस यस यस, दोरी रंगवानी है अपने गुजराती में, यूँ कहवा कि दोरी रंगवानी से हमारे। तो इनको अभी तो अच्छा, कमल भैया मास्क करी वेरी वेलो, हमने टोकी रहे जो कि हमें मास्क पहरे, तो मास्क पहनना जरूरी है। बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क उतारा है, और अभी फिलहाल के लिए मास्क जरूरी है। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, एंड मास्क पहनो। अभी थोड़ा ये मत सोचो कि पुलिस वाले पेनल्टी लेंगे, ये सोचो कि आपकी तबीयत ठीक रहेगी। और कुछ ये देखो 2022 की भी पतंग आ गई है अभी। अच्छा, अभी 3 ही दिन बाकी है अभी 2021 को जाने के लिए। कहने का मतलब रिकी भाई, ये जो हमारा ब्लॉग बन रहा है ये हमारा इस साल का लास्ट ब्लॉग होगा। हाँ, मैं भी शायद नहीं है, और भी आएंगे, अभी दूरी रंगवानी है। साथ है विक्की भाई, एंड ये हमारे बड़े भैया विक्की भाई, और हम दोनों विक्की आज मिले हैं। तो हमको थोड़ा पतंग की शॉपिंग करनी है, दोरी लेनी है, दोरी रंगवानी है, तो भैया मेरे को थोड़े अच्छे अच्छे पतंग दिखा देता हूँ। एंड विक्की भाई, इस बार आप प्राइस के साथ और डिटेलिंग में बताना, भले थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए बट थोड़ा डिटेलिंग में बताना। और इस बार क्या नया क्या आया, वो आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि कुछ नई रेंज आने वाली है, तो इस बार जो नई आई वो भी दिखा दो। देखे भैया, सब नई नई डिजाइन आई इस बार। वाओ, ये भी बहुत बढ़िया है, सब लेटेस्ट डिजाइन है, सब नई नई है। ये भी बहुत बढ़िया डिजाइन है, इसके कलर भी बहुत अच्छे हैं, फेड नहीं लग रहे नहीं कलर, शायद आपको कैमरा में नहीं समझ रहा होगा, बट इसके जो कलर्स है ना वो थोड़े ब्राइट कलर से, मतलब बाकी पतंग के थोड़ा थोड़ा अलग से कलर से इसके सब डिजाइन है। 18 डिजाइन है, ये भी बहुत बढ़िया डिजाइन है। टोटल कितनी डिजाइन है? 18 डिजाइन है, और ये क्या प्राइस है? 120 रुपए कौड़ी पड़ेगा, रिटेल के अंदर 120 रुपए पड़ेगा, होलसेल में लोगों तो ये 450 रुपए के 100 पतंग बने, 450 के 100 माने 90 रुपए कौड़ी हो जाएगा, 90 रुपए कौड़ी हो जाएगा होलसेल में। तो गाइस आप सुन रहे हो, अगर आप होलसेल में लेना चाहते हो तो 100 नंग कम से कम आएंगे, एंड आपको कहाँ पे भी डिलीवर हो जाएगा। वैसे तो उत्तरायण का त्यौहार ज्यादातर गुजरात में ही मनाते हैं, तो गुजरात में आप कोई भी गाँव से हो, कहीं से भी हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। एंड आपको एक ही बार आना है, अगर नहीं भी आओ तो भी चलेगा, इनका कांटेक्ट नंबर मैंने साइड में दे रखा है, आप आ सकते हो यहाँ पे। जैसे मीडियम सील है, इसको कलर सील बोलते हैं, ये 80 रुपये कौड़ी पड़ेगा, 80 रुपये कौड़ी पड़ेगा। ये कारीगर की पतंग है, दोनों सेम चीज़ है। हाँ, पर दोनों में बहुत फर्क है, यहाँ पे चाटी लगी हुई नहीं है, जैसे यहाँ पे चाटी लगी नहीं हुई, और ये कारीगर की निशानी है, यहाँ पे लगा हुआ रहता है। अच्छा, जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है वो कारीगर की निशानी होती है, वो पूरी फ्रेश पतंग रहेगी। ओके, ये थोड़ी चालू रहेगी, मीडियम में रहेगी, और इसमें आपके पास जितना भी स्टॉक चाहिए मिल जाएगा, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई हो जाएगा ना, सप्लाई हो जाएगा। ओके, ये फिर कन्नी बांधी हुई पतंग भी है इस बार। अच्छा, कन्नी बांधी हुई भी आई है इस बार, मिल जाती है। वाओ, तो यार ये तो मैं ये इसका क्या खास है, मतलब थैली में पैक क्यों है, ये पन्नी में पैक क्यों है? पन्नी में पैक इसलिए सिंगल कलर होता है ना भैया, ये सिंगल पैक होता है। अच्छा, सिंगल पैक है इसको, ओके। कन्नी बनने के बाद वो साथ में जुड़ेगा नहीं, पंजा नहीं बनेगा। अच्छा, सो गाइस देख सकते हो कि ये पूरा कन्नी बंधा हुआ है, मतलब जिसको अगर मानना नहीं आता, जिसको मेरे
जिसको मेरे जैसा बोर होता हो, जिसको कंटाला आता हो ये सब बांधने में, तो ये इजी रहेगा। इसका क्या प्राइस रहेगा? 20 रुपए ज्यादा रहेगा इसका। अगर नॉर्मल पतंग से 20 रुपए ज्यादा रहेगा। और यार बहुत ही बढ़िया यार ये तो। ये तो इसमें भी, इसका भी आप होलसेल करते हो? करते हैं। कि भाई आप कौन सा लेने वाले हो, कन्नी वाला या बिना कन्नी वाला? और हाँ, आपको भी मेरे जैसा कंटाला आता है कन्नी बांधने में? नहीं, मैं कन्नी बिगड़ के लूंगा, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है, मैं 6 सेकंड में कन्नी बांध सकता हूँ। ऐसा? हाँ। तो फिर विक्की भाई आपको किसी किसी को जॉब पे किसी को रखने की जरूरत है भैया? कल से आ जाओ। विक्की भाई आ जाएंगे। विक्की भाई को लेना था दोड़ी, यहाँ से आगे जाके कलर भी करवाना है, और जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम गए थे वहाँ पे भी जाएंगे, पूरा डिटेलिंग में बनाएंगे। बने रहना इस ब्लॉग में, एंड चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हम दोनों को देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। और यहाँ पे पूरा माल पूरा होलसेल में मिलेगा, जिसको भी लेना है पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा, और यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो पूरी एड्रेस लिखी हुई है। और काफी सारी प्रिंट है, वीडियो में शायद आपको इतना समझ नहीं रहा होगा, बट काफी सारी 22 डिजाइन मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया है। क्या प्राइस है इसका? 200 रुपए का कौड़ी पड़ेगा। 200 का कौड़ी पड़ेगा। जैसे बड़ी साइज के अंदर आएगी, बड़ी बड़ी डिजाइन है, सब अलग अलग आया। और इसकी खास बात ये कि जॉइंट क्यों हुआ है, प्रिंटेड नहीं है, इसको जॉइंट करते हैं। अच्छा, इसको पूरा जॉइंट करते हैं? जॉइंट करके इसको जोधपुरी कार्ड बोलते हैं। जोधपुरी कार्ड तो ये जोधपुर मतलब में बनता है, जोधपुर से बन के आपके पास आता है। ओके, तो ये भी बहुत बढ़िया गाइस, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे कलर है इनके पास। एंड इसका क्या प्राइस है? ये 200 का कौड़ी आएगा, 200 रुपए का कौड़ी। 200 रुपए का कौड़ी। अगर होलसेल में चाहिए तो 700 रुपए के 100 आएंगे। 700 रुपए के 100, यानी 7 रुपए का एक पड़ेगा। और ये ऐसे रिटेल में एक नंग कितने का सेल होता है? एक सिंगल नहीं बिकता है, सिंगल नहीं बिकता है, 20 पतंगे बिकता है, 200 रुपए का आएगा 20। ओके, अभी आवाज सुन सकते हो कि पतंग क्या है, पेपर भी बहुत बटर पेपर जैसा लग रहा है, आवाज देखो कैसा है। इसको पोनिया बोलते हैं, ये अड़दिया से भी बड़ी साइज है। अच्छा, पोनिया अड़दिया, ये पोनिया है, ये पोनिया मतलब पोना साइज। इसमें भी आपको 22 डिजाइन मिल जाएगी अलग अलग। वाओ, ये इसकी साइज बहुत बड़ी है, बड़ी साइज है, तो देख सकते हो ये मेरे कितने हो रहा है, बहुत बड़ी साइज है। मतलब ये विक्की भाई को आप देख सकते हो, पूरा विक्की भाई इसके अंदर आधा चले गए। चांद वाला भी है, सब अलग अलग है। चांद वाला, चांद सितारे। कमल भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देंगे चांद सितारे लेके दूंगा, तो ये पतंग लेके दो इनको, तो पक्का छोड़ के चली जाएगी। दूसरा कुछ दिखा दो। ये लव बर्ड वाला भी है। ओके, हाँ ये दे सकता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ, ये दे दो, ये लव बर्ड। एक साइड आप बैठना है, एक साइड आपकी। ज़्यादा पोल मत खोलो यार। एंड काफ़ी सारी रेंज है इनके पास गाइस, देख सकते हो बहुत बढ़िया बढ़िया रेंज है। सो अभी पतंग में तो रेंज आपके पास इस साल बहुत सारी नई नई आई है, और भी आने वाली है। और आपको अगर ज्यादा रेंज देखना है तो पहली तारीख के बाद सब कुछ लग जाएगा। पहली तारीख के बाद बहुत सारी रेंज आएगी, पहली जनवरी से सब कुछ लग जाएगा। तो ये सब पतंग बैठे बैठे अगर कोई घर में देखना हो, किसी को देखना हो, तो कैसे? वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी दिखा सकते हैं, मैं फोटोग्राफ्स उनको सेंड कर दूंगा। अच्छा, व्हाट्सएप का आपका ग्रुप भी है, तो वहाँ पे भी आप फोटो भी सेंड कर सकते हो। तो गाइस आप ये नीचे जो नंबर देख रहे हो, मतलब पूरा व्हाट्सएप का इनका नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एंड आप उनके उसमें भी जुड़ सकते हो। एंड काफ़ी सारी ये जो जितना भी नया नया रेंज आता है, अगर आप ऑफिशियल कस्टमर हो, अगर आपको सच में लेना है, तो ये फोटोज भी सेंड करते रहते हैं। मुझे लेना है मेरे लिए, तो लेटेस्ट में कौन सा है बताओ ना? सबसे बेहतरीन मान जाएगा साकर का 24 कैरेट। इसमें क्या खास बात है? ये एकदम प्योरली कॉटन का होता है, इसमें नॉन पॉलिस्टर कुछ भी नहीं होता, कॉटन का होता है। उसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, तो मजबूती भी अच्छी रहती है, और घिसने के बाद डबल मजबूत हो जाता है। तो इसका क्या प्राइस क्या है इसका? ये 450 का आएगा भैया, 2500 मीटर 450 का आएगा। और कोई दिखा दो ना इसमें आएगा पांडा, ये 12 तार में रहेगा, ये 12 तार पांडा रहेगा, पांडा रहेगा।
तो गाइस कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है और मैं कौन सा लूं। और इस साल एक और आप लोगों ने कौन सा किया वो भी कमेंट करना। इस साल एक नई वैरायटी आई है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ये इको फ्रेंडली दूरी रहेगा। अच्छा ये बाबा पतंजलि ने बनाया है। बाबा पतंजलि ने बनाया है। तो फिर हम डील पक्की कर रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। ये भी बहुत बढ़िया है। ये इसमें कभी गुच होते ना जो गुच वो कभी नहीं होगी इसमें गुच। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा तो क्या क्या खास बात है इसके अंदर? दिखा देता हूँ। इसके सारे फीचर्स यहाँ पे लिखे पड़े। ओके ये सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। ये जो डोरी जो उलझ जाती है वो इसमें उलझेगी नहीं। उलझेगी नहीं। ऑर्गेनिक पांडा। ऑर्गेनिक पांडा उसका कलर भी पूरा डिफरेंट रहेगा। व्हाइट जैसे व्हाइट कॉटन में व्हाइट रहता है ना। हाँ ये पूरा प्योरली कॉटन होता है 100% कॉटन। अच्छा इसका कलर भी पूरा इसका कलर भी आप देख सकते हो पूरा कलर भी अलग है। एंड ये क्या प्राइस है? ये आपको 400 का पड़ेगा। 400 वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो ये जो चीज़ें आपने बताई कि जो उलझ नहीं होगा और ये कुछ नहीं होगा सबसे मेन चीज़ इससे पतंग कटेगी सामने वाले की 110% भैया ऐसा। तो फिर फिलहाल तो फिर सर तो गाइस हम लोग फिलहाल यही ले लेते हैं। इस साल थोड़ा नया ट्राई करते हैं। तो गाइस फिलहाल मैंने ऑर्गेनिक ले लिए और अभी चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे आप सबने इतने सारे भर भर के कमेंट किए। पूरा आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको पूरा कलर करना रहेगा और किस तरह से इसको पूरा कंप्लीट करना रहेगा। मैं अभी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये भैया ने मेरे को न्यू कॉन्सेप्ट दिखाया है कि कभी न उलझने वाला दूरा है और ऑर्गेनिक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ मुझे नौ तार का ये नया कॉन्सेप्ट है वो ले रहा हूँ मैं अभी। तो मैं अभी ये डन कर रहा हूँ। अच्छा तो यानी आप भी ये ले रहे हो ऑर्गेनिक और मैं भी यही ले रहा हूँ। ये मेरा भी आ चुका है। तो अभी दोनों ब्रदर यही लेने वाले हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा लेने वाले हो और ये मेरे आपके हिसाब से ये सही है कि साकड़ आठ सही है। एंड इसमें विक्की भाई ने ये बोला है कि ये उलझेगा कभी नहीं। लेकिन विक्की भाई मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ अगर ये उलझ गया मैं वापस लेके आऊँगा दुगना पैसा। मैं वापस दुगना पैसा वापस पैसा ये वीडियो में बोल रहा हूँ। नहीं घूमूंगा दुकान लेके बैठा हूँ भाई शॉप लेके बैठा हूँ। चलो तो फिर ये ले लेते हैं। कमल भाई कौन सा वो डोगले में करवाना है कि हाथ घसाई में करवाना है? हाथ घसाई में। अभी हम लोग जा रहे हैं हाथ से डोरी को कलर करवाने एंड वो विक्की भाई का ही शॉप है और आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे काम होता है और पूरा होलसेल का है। कमल भाई विक्की भाई मैं हूँ मेरा शॉप नहीं है वो विक्की भाई का शॉप है। इनका नाम भी विक्की भाई है और उनका नाम भी विक्की भाई है। गाइस देखो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पूरा जोरों जोरों से काम चालू है एंड ये पूरा काम यहाँ पे चालू लगा पड़ा है। अच्छा ये पहले आप इसको लपेटोगे उसके बाद कलर करोगे। अच्छा तो ये जो पूरा कलर बनता है वो किधर बनता है? पूरा कलर बनता है वो उधर सामने। हाँ तो उधर चल। ये क्या है दादा? चावल है। चावल चावल हाँ। तो चावल का क्या करते हो? चावल और कांच मिक्स करते। चावल और कांच मिक्स करते हाँ। उससे क्या होता है? ये मसाला बनता है लुद्दी। अच्छा उसके बाद जो बनता है वो दिखाएंगे कहाँ पे? ये देखो ना ये कांच डाला है। अच्छा ये पूरा कांच है हाँ। ये पूरा ये चावल और कांच। अच्छा तो चावल की यूज़ करते हैं ऐसा कुछ आपको आइडिया? बगैर चावल के बन ही नहीं सकता ना भाई ये। ऐसा कांच नहीं चौटेगा। अच्छा चिपकाने के लिए कांच कोई चावल यूज़ करते हैं। सो गाइस देख सकते हो ये दादा हमारा पूरा मसाला बना रहा है। ऐसे ये खाने पीने का मसाला नहीं है ये देख डोरी को कलर करते हैं ना वो मसाला है। इसको मसाला नहीं इसको लुद्दी बोलते हैं। लुद्दी। अच्छा ये गुजराती भाषा में लुद्दी बोलते हैं। लुद्दी से ये घिसाई करती है ये जो कांच पूरा बैठ जाता है ये इसको हाथ घिसाई बोलते हैं। और एक वो चकेरे पे बोलते हैं उसका डोगरा बोलते हैं। मैं फिलहाल लाल करवाऊंगा एंड आप कौन सा करवाओगे? बरेली करवाऊंगा मैं। तो अभी हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा।
एंड सबसे पहले जो हमारा धागा है वो ऐसा पूरा हाथ से किया करेंगे। ये भैया क्यों गुस्से में हो? आप गुस्से में क्यों? गुस्से में नहीं ना भाई। तो गंडा इधर पहुंचा नहीं ना तार। अच्छा वो आटी से इधर आटी आई नहीं है। अच्छा वहाँ वो आटी से यहाँ आटी में आती है ऐसा। उसके बाद कलर होता है, फिर उसके बाद हम इधर घिसते हैं। घिसते हो फिर कलर होता है। वो कॉन्टेक्ट बोलते हैं कि वो उनका सिग्नल है, वो जैसे चिल्लाते हैं ना तो समझ जाते हैं कि वहाँ पे उनका दूरा पहुँचा नहीं है, जैसे दूरा को टूटे नहीं ना, इसकी वजह से वो चिल्लाते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये पूरी क्या है, लुद्दी। तो सबसे पहले चावल बनते हैं, उसके बाद चावल का मसाला बनता है, उसके बाद ये लुद्दी बनती है, उसके बाद देन उसके बाद ये डोरी में डोरी को इस तरह से पूरा कर देते हैं कम्प्लीट, एंड इसके बाद ये पूरा कलर होता है एंड देख सकते हो। तो इनका नाम है पेटीकोट बाबा। अब इनका नाम पेटीकोट बाबा क्यों है ये बताएंगे ये भैया, क्या है इनका नाम? इनका नाम असली कुर्बान है, कुर्बान अली। कुर्बान अली, ये पूरा यहाँ पे ही काम करते हो आप सब लोग? हाँ सब यहीं करते। पूरा होलसेल वाले भी यहीं से लेने आते हैं? सब यहीं आते हैं लेने को। ऐसा, और ये कितने दिन में डिलीवरी आप कर देते हो? जैसे बनवाना हो तो कितने दिन में दे देते हो? कुछ माल के हिसाब से होता है, आपका जितना माल हो उतने ही दिन में बन पाएगा। अच्छा, एक महीने का माल दिया हमने तो एक ही महीने में। आसपास के एरिया में होलसेल वाले यहीं पे आते हैं? सब यहीं आते हैं। ओके, तो ये गाइस देख सकते हैं इनका बहुत बड़ा काम है। आसपास की जितनी भी शॉप है ना सबका माल पूरा यहाँ से जाता है, आप देख सकते हो एक ही, ये पूरा इतने बड़े बड़े थैले भरे हुए हैं, यानी पूरा इनका जो माल है आसपास में यहाँ से कलर होकर आसपास की जितनी भी शॉप है वहाँ पे जाता है। एंड आपको भी अगर लेना है तो आप यहाँ से यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा इनका काम, बहुत बड़ा काम है। और इसके अलावा इनका और भी एक वर्कशॉप है। खाली 2 घंटे के बाद हमारा रेडी हो चुका है, एंड ये मेरा हो गया रेड कलर का। एंड विकी भाई आपने कौन सा कलर करवाया? मैंने मेहंदी कलर करवाया है। मेहंदी कलर करवाया है, ये मैं थोड़ा डिफरेंट। तो ये कुछ इस साल यूनिक करवा रहे हैं। एंड मैंने यूनिक टेलर यूज किया था, पता है ना, ऑर्गेनिक। मैंने सारा कलर चेंज किया है, मैंने ऑर्गेनिक किया। वैसे मेरा भी ऑर्गेनिक है, आई नो। और मैंने ये मेहंदी कलर करवाया है, और भैया ने बहुत अच्छी तरह से पैक करके दिया है, जैसे लगे कि भाई बाहर से लेके आया हूं मैं। बहुत बढ़िया लग रहा है दिखने में तो, और पता नहीं पतंग उड़ाने में तो कैसा लगेगा। एंड आपने अभी कौन सा करवाया इस साल तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हो गया पूरा शॉट कंप्लीट, हो गया हमारी डोरी भी पूरी कंप्लीट हो गई, और लास्ट में अभी आए हैं रवि भैया। एंड रवि भैया लास्ट टाइम वीडियो में जो आपसे बात की थी तो सब लोगों ने कमेंट किया था, भाई इसका डिटेलिंग में वीडियो बनाओ एंड प्रॉपर बताओ कि आप प्रॉपर होलसेल में सप्लाई करते हो या नहीं करते हो, तो एक बार हमारे व्यूअर्स को पूरा बता दोगे? जी हम लोग होलसेल में भी सप्लाई करते हैं, जब भी आपको चाहिए नंबर दे देंगे भैया, बराबर है, उस हिसाब से फोन करना। नंबर तो वैसे स्क्रीन में आ रहा होगा, आप देख सकते हो। बराबर, होलसेल में जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा, 1,000, 2,000, 5,000। वैसे मैदानी माजा भी मेरे पास मिलता है, तो मैदानी माजे की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बता दीजिएगा। एंड ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे थे कि अगर आपको क्वान्टिटी में कुछ देते हैं कलर करवाने के लिए तो कितना टाइम लग सकता है? टाइम में जैसे क्वांटिटी होती है वैसे उस तरह से टाइम भी लगता है। अच्छा, जितनी जैसे क्वांटिटी होगी आपकी? हाँ, जितनी क्वांटिटी होगी उस तरह से टाइम लगेगा आपको। ओके, सो गाइज आपने लास्ट वाला, अगर इससे पहले वाला व्लॉग जो नहीं देखा है वो देख लेना, उसमें भी मैंने रवि भैया के पूरा शॉप के बारे में पूरा शॉप कवर किया था, और इस बार भी डिटेलिंग में थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ का पूरा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये साइट में आप कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हो। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको सिंगल भी बनवाना है तो आप इनको कॉल करो, आप इनको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये व्हाट्सअप का पूरा ग्रुप नंबर है। तो भाई बरेली किस तरह से बनती है खाली बताओगे आप? हम इस कलर में केमिकल डालते हैं। अच्छा, केमिकल डाल के पलार के, यानी बरेली का पूरा प्रोसेस अलग होता है। हाँ, बाकी आम जो होती है वो अलग होती है। हाँ, बरेली पूरी अलग होती है। हाँ, इसका पैसा भी अलग है, इसका पैसा भी अलग होता है। बरेली अच्छी होती है कि वो नॉर्मल अच्छी होती है? होती तो मगर यही भाई पैसा ज़्यादा तो अच्छा तो यही होगा ना। तो भाई ये जो भैया है ये पूरा बरेली का बनाते, बाहर पूरा बरेली का हैंडल करते हैं। सो गाइस विक्की एक मिनट बात कर लूँ। सो हेलो गाइस, कैसे हो? सबको मेरा नमस्कार। अभी मेन सूचना कि अभी थर्ड वेव आने की चांसेस ज़्यादा है, तो आप थोड़ा मास्क पहनिए और सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। अभी तो त्यौहार का ज़माना है, अभी देखो उत्तराखंड फेस्टिव सीजन चल रहा है। मुझे भूख लग रही है, बटर का नाम बटर याद आ रहा है मुझे कुछ तो खा लेते हैं, और क्या बात है। शॉपिंग करने के बाद नाश्ता करते हैं।